नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार के साथ साथ पूरे देश के लोगों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने बंगाल के आसनसोल के लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली है, जबकि उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भरोसा भी जीत लिया है। भाजपा और कांग्रेस में असहज होने के बाद उन्होंने हाल ही में TMC का दामन थामा था और आज पार्टी ने उन्हें आसनसोल विधानसभा में अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भरोसा भी जीत लिया। भाजपा और कांग्रेस में असहज होने के बाद उन्होंने हाल ही में TMC का दामन थामा था और आज इस पार्टी के अहम हिस्से के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज की है। उन्होंने आसनसोल उपचुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की है। आसनसोल उपचुनाव में जीत मिलने के बाद उन्होंने यह साबित कर दिया है कि उनका कद राजनीति में अभी भी काफ़ी लंबा है। इससे पहले कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने अब बिहार से बाहर जाकर जीत का रिकॉर्ड दर्ज किया है। उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल हुई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी लास्ट अपडेट के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा को कुल 6,52,586 वोट मिले हैं, जबकि BJP की अग्निमित्रा पॉल को 3,52,043 वोट मिले हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को 56.57% और अग्निमित्रा पॉल को 30.52% का वोट प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहां पर CPI उम्मीदवार पार्थ मुखर्जी तीसरे नंबर पर रहे हैं। उन्हें 7.79% के साथ 89,864 वोट मिले हैं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार प्रसन्नजीत को यहां से 1.29% मतदान के साथ 14,885 वोट मिले हैं। आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ आसनसोल लोकसभा चुनाव के लिए BJP ने अपने ही पार्टी की सिटिंग MLA अग्निमित्रा पॉल को अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐसा कहा जा रहा था कि बिहारी बाबू को BJP उम्मीदवार से कड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि यह सीट पहले BJP के खाते में ही थी। लेकिन वोटों की गिनती के बाद सामने आए शुरुआती रुझान से ही शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जब बिहारी बाबू 1,00,000 वोटों से आगे हो गए। इतने बड़े मार्जिन के साथ आगे होने के बाद उनके समर्थकों को यह कि यकीन हो गया कि आसनसोल सीट से उनकी ही जीत होने वाली है। आपको यह जानकारी भी दे देते हैं कि आसनसोल में श्रमिकों की संख्या लाखों में है, जबकि बड़ी संख्या में छोटे कारोबारी भी यहाँ रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिक, कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर और छोटे कारोबारियों की संख्या करीब 15,00,000 के आसपास है। यहाँ रहने वाले लोगों में 45% हिंदी बोलते और समझते हैं। वहीं इस क्षेत्र में रहने वाले आबादी का 15% हिस्सा अल्पसंख्यकों का है। ऐसा कहा जाता है कि आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में हिंदी भाषी लोगों का काफ़ी प्रभाव है, जबकि यहाँ बंगला बोलने वालों की भी बड़ी तादाद है। राजनीति के जानकारों की माने तो यहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोगों की विशाल जनसंख्या को देखते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। आज आए चुनावी नतीजों के बाद उनका यह फैसला काफ़ी अहम साबित हो गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।